समय बीतता चला जाता है, लेकिन थोड़ा पीछे मुड़कर देखने पर पता चलता है कि कितना समय निकल गया। जैसे गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और गंगा सागर में मिल जाती है, चूँकि धारा चाहे वो नदी का हो या समय का हो, दोनों निरंतर चलती रहती है और एक समय दोनों अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करके लक्ष्य में विलीन हो जाती है। ठीक उसी तरह सन 1993 15 जुलाई का दिन था जब मैंने अपनी सेवा डायमंड सीमेंट नरसिंहगढ़ बिरलापुर दमोह मध्य प्रदेश से प्रारंभ किया था और आज 15 जुलाई 2023 है, अर्थात हमारे सफल ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ तरीके से सेवा काल का 30 वर्ष पूरा हो गया। मैं भाइयों एवं बहनों यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि आप कहीं से भी शिक्षा लिए हों, लेकिन ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से शिक्षा लेने के बावजूद भी नौकरी आज से 100 साल पहले भी और आज के परिवेश में भी मिलना बहुत ही टेढ़ी खीर और दुष्कर, कहने का मतलब कि बहुत ही कठिन काम है इस नौकरी को प्राप्त करना। तो मैं बताना चाहूँगा कि सन 1993 में खनन अभियंत्रिकी भारतीय खनी विद्यापीठ धनबाद भारत सरकार से प्राप्त करने के बाद भी उस समय के नरसिम्हा राव सरकार की नई पॉलिसी LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के कारण नौकरी अपना एक करवट को बैठ रही थी, अर्थात सरकार में भी नौकरी की बहुत कमी आ गई थी, प्राइवेट सेक्टर भी अपना अब एक हिसाब किताब से चल रहा था। ऐसे में हमारे साथियों जो ISM में सहपाठी थे और ख़ास करके खनन अभियंत्रिकी मिनरल अभियंत्रिकी या माइनिंग मशीनरी आदि में पढ़े थे, चूँकि कोल इंडिया उस साल कैंपस विजिट और साल के तरह नहीं किया तो नौकरी मिलने में समस्या आ रही थी। कुछ लोगों को अपने प्रयास से मिली और कुछ लोगों को नहीं मिली। इस बीच प्रोफेसर MS छाबरा जो हमारी बैच के अरविंदर कौर जी के पिताजी भी थे, उनका भावनात्मक लगाव बहुत ही ISM के स्टूडेंट और ISM से था, तो उन्होंने काफ़ी लोगों को मदद की। तो जिन हमारे भाइयों को नौकरी नहीं मिल पाया था, करीब 8-10-12 लोग थे, उनको उन्होंने अपना रिकमेंडेशन लेटर दिया और वे लोग गोवा में जाकर नौकरी प्रारंभ की। इसी बीच मैं और मेरे एक मित्र को नौकरी का सुनहरा अवसर उड़ीसा के कोयरा सुंदरगढ़ ज़िले में मिला, लेकिन वह जगह काफ़ी ही सुदूर था और रिमोट था, सही से खाने पीने का भी इंतज़ाम वहाँ पर नहीं था, जिसके कारण कुछ ही दिन में हम लोगों की तबीयत भी ख़राब हो गई और हम लोग वहाँ से फिर लौट आए। मैं और मित्र दोनों पटना आ गए अपने नए
मकान श्री कामेश्वर हेमकुंज पटना में, मेरा मित्र भी वहाँ आया और कुछ दिन वो रह कर फिर वापस चला गया और मैं अपने स्वास्थ्य लाभ में था। इसी बीच मुझे समाचार पत्र में डायमंड सीमेंट नरसिंहगढ़ दमोह मध्य प्रदेश का एक विज्ञापन देखा, उससे मैंने उसका एड्रेस कलेक्ट किया। एड्रेस कलेक्ट करने के बाद एक छोटा सा अपना बायोडाटा और एक निवेदन पत्र लगाकर 5 रुपये के लिफाफा में अनिसाबाद पोस्ट ऑफिस से भिजवा दिया। चंद दिनों में ही हमारा कॉल इंटरव्यू के लिए आया। मैंने पटना से कटनी तक का ट्रेन पकड़कर कटनी पहुंचा। उस ज़माने में ट्रेन की काफ़ी कमी थी, ट्रेन लेट भी पहुंची, जिसके कारण आगे का कनेक्टिंग ट्रेन कटनी दमोह सागर बिना हमारा छूट गया। फिर मैं क्या करता, छोटा नन्हा सा कड़क बच्चा, किसी तरह आगे पद यात्रा करते हुए बस स्टैंड का पता लगाते हुए आगे बढ़ा, बस स्टैंड पहुंचा, तभी उस बस का कंडक्टर खलासी आवाज़ देता हुआ सुनाई पड़ा, दमो दमो दमो। फिर क्या था, मैंने बस को लपका और झोला मोटरी लेके उसमें ढुक गया। ढुकने के बाद किसी तरह ड्राइवर के पीछे थोड़ा सा जगह पाया और ड्राइवर से बात करता हुआ समय की धार पर बैठकर निकलता गया। पूछने लगा, भैया दमोह 110 किलोमीटर के आसपास से कितना समय लगेगा पहुंचने में? तो उसने कहा, भैया घोड़ा गाड़ी का कोई ठिकाना नहीं, पहुंच जाए तो समझिए कि पहुंच गया। हम कहे फिर भी, तो बोला वही कोई शाम के 5 बजे तक पहुंच जाएगा। हम कहे ठीक है भैया, पहुंच तो जाएगा। तो उसने हंसने लगा। फिर अन्य लोग भी आश्चर्य चकित होकर हमारी तरफ देखने लगे, क्योंकि हमारा परिवेश कुछ देहात वालों से मिलता जुलता था। खैर कोई बात नहीं, मैं भी हंसता मुस्कुराता और भी अन्य बातों को समान ढंग से लेता हुआ आगे बढ़ता गया। इसी बीच वार्तालाप में ड्राइवर ने पूछा, आखिर भैया आप क्यों इतने परेशान हैं, क्या बात है? तो मैंने कहा कि भैया ऐसे ऐसे इंटरव्यू है हमारा डायमंड सीमेंट में। बोला कोई बात नहीं है, चिंता मत कीजिए, जिसने चीरा है, जिसने मुंह चीरा है, उसने ही चुगा की व्यवस्था की है, सब कुछ सफल होगा। जी भगवान की कृपा वैसे ही हुई। मैं दमोह से नरसिंहगढ़ बिरलापुर शाम ढलते ही पहुंचा और उसके बड़े से गेट पर रिपोर्ट किया पर्सनल डिपार्टमेंट में। उन्होंने किसी एक बंदे को भेजा और हमारी व्यवस्था गेस्ट हाउस में बिरलापुर में की। बहुत ही ऐसो आराम था गेस्ट हाउस में, खाने पीने सभी की सारी व्यवस्थाएं थी। मैंने खाना पीना खाकर फिर आराम किया। सुबह पुनः बताए गए निर्देशों का पालन करते हुए इंटरव्यू के लिए डायमंड सीमेंट के पिछवाड़े लाइमस्टोन क्वारी थी,
वहाँ मैं पहुँचा। 10-12 लोग और खड़े थे लाइन में, अपने अपने डॉक्यूमेंट आदि जमा कर रहे थे। मेरे पास भी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था सभी सेमेस्टर का, उसको मैंने रिजल्ट को जमा किया। फिर एक एक करके इंटरव्यू हुआ। मेरी बारी चौथी या पांचवी थी, मैंने भी इंटरव्यू दिया। भगवान की कृपा से इंटरव्यू ठीक ही ठाक हुआ, लेकिन पता नहीं आगे क्या होता है। यह सोचकर मैं पुनः TADF डायमंड सीमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट से लेता हुआ वापस पटना की ओर चल दिया। चूँकि इसी बीच जनवरी 1993 31 जनवरी को हमारे पूज्य पिताजी सेवानिवृत्त हुए थे, तो हम लोगों को सरकारी निवास छोड़ना था और एक छोटा सा नए मकान श्री कामेश्वर कुंज विष्णुपुरी चितकोड़ा बाजार पटना बिहार में शिफ्ट होना था। तो मैंने उसमें लग गया, क्योंकि परिवार में बड़े भाई होने के नाते और पारिवारिक सामाजिक जिम्मेवारी को समझते हुए मैंने उस काम को किया। 2-4 दिन सप्ताह भर गुजरे, उसी बीच डाकिया आया, मेरा अपॉइंटमेंट ज्वाइनिंग लेटर लेकर डायमंड सीमेंट में। मैं बहुत खुश था, क्योंकि अच्छी सुख सुविधा और सैलरी के साथ नियुक्ति थी। उस जमाने में भी और आज भी टाटा बिरला ग्रुप में निजी क्षेत्रों के तहत नौकरी मिलना या करना बहुत ही सौभाग्य का बात समझा जाता है। तो इस प्रकार मुझे नौकरी मिली, और पहले जो मैंने आप सभी के सामने बताया कि वहाँ तक का पहला सफ़र था, और दोबारा मैंने ज्वाइनिंग रिपोर्ट मिलते ही वहाँ 15-7-1993 से अपनी सेवा लगातार दी, और करीब 9.5 साल के आसपास हमने वहाँ नौकरी की। इस तरह से सिलसिला आगे आगे चलता रहा, और आज मैं भारत सरकार की अग्रणी कंपनी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में विगत 15 वर्षों से कार्यरत हूँ, और तत्काल में मैं लालापुर सिल्का सैंड प्रोजेक्ट प्रयागराज का सहायक महाप्रबंधक खनन और प्रभारी अधिकारी के रूप में पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहा हूँ। धन्यवाद।